हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रफ के चैनल पे। एक बार फिर से अपने वादे को मैंने निभाया है और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के पास वापस आया हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए, आपको हंसाने के लिए और थोड़ा सा सुकून देने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है बाहर क्या क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है। एंड कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी राहत दे पाऊँ, उसी के लिए मैं आज वापस आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का जो हमारा मुद्दा होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड मैं उम्मीद करता हूँ उससे आपको मुझे बेहतर जानने को मिलेगा और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतने फनी फनी मोमेंट्स होते रहते हैं। सो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है। सो आज हम करने वाले हैं ऑकवर्ड क्वेश्चन चैलेंज। सो स्क्रीन पे आपको दिखाई देंगे अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन वन बाय वन, और मैं जवाब दूंगा रियल जो भी है। मैं गीता पे हाथ रख के, गीता तो है ही नहीं, मैं गौरव पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सच बोलने में ही भलाई है। सच बोलते रहोगे, आगे बढ़ोगे, लेकिन लेट बढ़ोगे बट बढ़ोगे। ओके, सो बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है, बहुत ही मस्ती होने वाली है, बहुत हंसी मजाक होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी तरह आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक्ने से बहुत परेशान होंगे, एक्ने मार्क्स से बहुत परेशान होंगे। सो डोंट वरी, मैं आ गया हूं, आपका रफ आ चुका है आपकी मदद करने के लिए। सो पहले आप जाइए और ये देख के आइए। द डर्माको की तरफ से आता है 3% नियासिनेमाइड फोमिंग फेस वॉश एंड 10% नियासिनेमाइड फेस सीरम। इस फोमिंग फेस वॉश को यूज करना बहुत ही आसान है और आप इसे रोज यूज कर सकते हैं। और इसके बेटर रिजल्ट्स के लिए आप फेस वॉश करने के बाद फेस सीरम को यूज करना ना भूलें। और अगर इसके बाद आपको कहीं बाहर जाना है तो द डर्माको की सनस्क्रीन जेल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। सो गाइज, ये हम सब लोग जानते हैं कि एक्ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब भी हमें बाहर जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो और आपके फेस पे जब बड़ा सा एक्ने आ जाता है तो हम सबका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन हो जाता है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्ने मार्क्स, क्योंकि एक्ने तो चला जाता है लेकिन वो मार्क्स नहीं जाते हैं, वो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। एंड बहुत बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो मुझे मैसेज भी करते हैं, सर एक्ने के लिए कुछ बताइए, एक्ने मार्क्स के लिए कुछ बताइए, ये मार्क्स जा ही नहीं रहे हैं। तो जो ये एक्ने मार्क्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं बड़े हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एंड जो एक्सेसिव सीबम होता है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है हम सब के लिए। तो इन सब को ट्रीट करने के लिए हमें जरूरत होती है नियासिनेमाइड की, जो कि अक्सर हमारे फेस वॉश में नहीं होता है, क्रीम में नहीं होता है, सीरम में नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द डर्माको की तरफ से आता है 3% नियासिनेमाइड फोमिंग फेस वॉश एंड 10% नियासिनेमाइड फेस सीरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक्ने मार्क्स, आपके ओपन पोर्स और आपके एक्सेसिव सीबम को कंट्रोल करने के लिए। ये क्लिनिकली प्रूव हो चुका है कि नियासिनेमाइड एंड विटामिन B3 आपकी स्किन को विजिबली इंप्रूव करते हैं, यानी कि आपके एक्ने मार्क्स को अच्छे से ट्रीट करते हैं, एक्सेसिव सीबम को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप रोज इसे यूज करते हैं तो आप विजिबली फर्क देख पाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो भी इंप्रूव होता आपको दिखेगा। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ यूज करते हैं, पहले फेस वॉश करते हैं उसके बाद में सीरम को यूज करते हैं, तो आपको और भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल डर्माको प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड यूजिंग साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव टू यूज। द डर्माको एक बहुत ही ऑनेस्ट ब्रांड है, इसलिए जो भी इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो आप इनकी पैकेजिंग पे भी देख सकते हैं। द डर्माको बिलीव्स इन लाइफ विदाउट फिल्टर्स, लव द स्किन यू वर बॉर्न इन। तो अगर आप भी चाहते हैं द डर्माको के ये अमेजिंग प्रोडक्ट्स तो आप जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। और हाँ, याद रहे मेरा कोड यूज करना मत भूलेगा जो कि है वादवा20, इससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Nykaa, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो गो एंड चेक इट आउट। सो गाइस, ये तो बात हुई द डर्माको की, अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो लाया जाए हमारे सामने पहला सवाल। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर मुझे मौका मिले तो एक दिन के लिए मैं किसका इंस्टाग्राम मैनेज करूंगा, और वो मैनेज करते ही मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा। सो आई थिंक यार, और कोई हो ही नहीं सकता, इतना सोचने की मुझे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। सो अगर कोई एक इंसान मुझे सेलेक्ट करना हो, वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर एक टॉप ऑफ द लिस्ट पे सेलेक्ट करना हो तो वो है हमारे भाई जान, बजरंगी भाई जान राधे एंड मोस्ट वांटेड भाई सलमान खान, जिनका इंस्टाग्राम है बिंग सलमान खान, अगर मैं सही हूं तो। मैं बिल्कुल सही हूं। और सबसे पहले उनका अकाउंट मैनेज करते ही मैं जो पहली चीज करूंगा वो मैं करूंगा
उनके सर्च पे जाऊंगा एंड वहां पे टाइप करूंगा GAURAV.WADHWA.90 जो कि मेरा इंस्टाग्राम है गौरव वाधवा 90। अपना नाम टाइप करूंगा और सबसे पहले क्लिक करूंगा फॉलो बैक पे। यस, फॉलो बैक पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉलो तो कर ही रहा हूँ। फॉलो बैक पे क्लिक करूंगा और मुझे लगता है उससे बड़ा दिन मेरी जिंदगी में दूसरे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकते, बट उस टाइम तक वही मेरा सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि यार सलमान खान आपको फॉलो कर रहे हैं, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। वो बहुत कम लोगों को फॉलो करते हैं, उनमें से अगर एक गौरव वाधवा जैसा नॉर्मल सा इंसान बन जाए तो क्या बड़ी चीज है उनके लिए। उनकी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ यार, जुड़वा एंड ऑल वो सब देख के, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किसी से होता है, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, तुम हमारे साथ हो, हम उनके, ये फिल्में नहीं थी, मैं ऐसी फ्लो में आके बोल जाता हूँ। सो यस, अगर मुझे मौका मिले एक दिन किसी को मैनेज करने का, इंस्टाग्राम को मैनेज करने का, तो वो होंगे सलमान खान। एंड जो पहली चीज मैं करूंगा वो मैं जाऊंगा गौरव वाधवा के अकाउंट पे और उनको फॉलो बैक करूंगा। हा, हा, हा। और जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग अभी जाके फॉलो कर सकते हैं, नीचे ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, गौरव GAURAV.WADHWA.90, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और काफी लोगों को मैं रिप्लाई भी करता हूं यार। सो ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाइस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आई थिंक ये हर किसी ने किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी, कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आप और कूल दिखो और ज्यादा पॉपुलर लगो। सो आई थिंक ये सबने किया है, मैंने तो बहुत ज्यादा किया है। जब मैं स्कूल में था, अपनी स्कूल लाइफ में मैंने बहुत स्टाइल मारने की कोशिश की है, बहुत थोड़ा बहुत डांट भी खाया हूँ टीचर से, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी डांट खाया हूँ टीचर से। ये सब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में किया है, जैसे कि कॉलर चढ़ा के स्कूल में जब जाया, ये तब की बात है जब हम थोड़े बड़े हो गए थे, जब हम 7th-8th में आ गए थे, थोड़ी फिल्में देखने लगे थे, घर वालों ने थोड़ी सी छूट दे दी थी, साइकिल से मैं एक्टिवा पे आ गया था, तो ये तब की बात है, तो थोड़े से पर लग ही जाते हैं। और हर किसी को लगता है स्कूल में, मैं बता दूं 95% लोगों को लगता है कि हम एकदम हीरो हैं या हम एकदम हीरोइन हैं, स्कूल के हीरो हीरोइन हम ही हैं, और बचे हुए 5% को लगता है कि हम तो टॉपर हैं, हमें सिर्फ पढ़ना है, ये बहुत गंदे लोग हैं, हमें इनकी तरफ देखना नहीं है, बिल्कुल ऐसे रहते हैं। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो इधर उधर बात भी नहीं करते, वो आगे वाली बेंच पे चश्मे पहन के बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं, कभी गलती से पेंसिल या रबड़ भी मांग लो तो भी वो देते नहीं है, बोलते हम एक ही लाएं, है ना। अगर सही कह रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बता देना, ऐसा मेरे साथ अक्सर हुआ है। सो यस, मैं बहुत स्टाइल मारा करता था, लाइक कॉलर खड़ा करके जाना एकदम स्टाइल में, बाल वाल थोड़े लंबे रखता था, लेकिन कई बार डांट पड़ जाती थी एंड सुनना पड़ जाता था मुझे भी और मेरे पेरेंट्स को भी। सो ये सब चीजें, स्टाइल तो मैंने बहुत मारा यार स्कूल में, बहुत कोशिश की है कूल बनने की। सो ये मैंने बहुत किया अपनी स्कूल लाइफ में। सो यस, मैं अपनी स्कूल लाइफ में स्टड हीरो बनने की, मोस्ट पॉपुलर बनने की या कूलर बनने की, कूलर मतलब वो हवा देने वाला कूलर नहीं, बहुत कूल बनने की मैंने कोशिश की है। यस, यार अगर इसका मैं जवाब दूं, मैं पहले बता देता हूं कि मैं कौन से एनिमल की तरह लगता हूं जब मैं खाता हूं। हर कोई किसी ना किसी एनिमल की तरह लगता है, क्योंकि हर किसी के खाने का स्टाइल बहुत अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो गाय की तरह खाते हैं, बहुत लोगों में, और कुछ लोग होते हैं जो लायन की तरह खाते हैं, आवाज कर करके मेरा मतलब है, और कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे। मैं बाकी का तो नहीं जानता, बट मैं अगर अपना एनिमल बताऊं तो मैं पिग की तरह खाता हूँ, पिग। सुन के बहुत फनी लग रहा है, बट मैं पिग की तरह खाता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डाइट पे होता हूँ, तो खाने के प्रति मेरे अंदर इतना कुछ भर जाता है, मेरा इतना मन करता है कि मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ। तो जब कभी मुझे कुछ भरपूर प्रॉपर मील मिलता है तो मैं खा लेता हूँ, बहुत फटाफट सारा ठूस लेता हूँ जितना आ जाए, और उसके बाद मैं मस्त आराम करता हूँ, पंखा चलाता हूँ, एसी मेरा चल नहीं रहा, गैस खत्म हो गई, सो पंखा चलाता हूँ, सो जाता हूँ। ओहो, क्या आनंद मिलता है यार, मतलब पिक की तरह खाने में मजा ही अलग है। ये बहुत ही कमाल का सवाल पूछा, और एक्चुअली ये मेरे साथ हो चुका है, मतलब कि कोई मुझे वेव कर रहा था ऐसा मुझे लगा और मैंने वेव बैक किया, और बाद में मुझे पता लगा कि वो वेव मेरे लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था, या मेरे पीछे खड़े हुए किसी इंसान के लिए था। तो ये एक बहुत ही अच्छा किस्सा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं तब ये रिश्ता क्या कहलाता है का शूट कर रहा था, और हमारा सेट था फिल्म सिटी में, हमारा टेंपल का सीन चल रहा था फिल्म सिटी टेंपल पे। सो वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, दिन का वक्त था, आई थिंक 12-1-2-3 बजे होंगे, 4-5-6-7 सारा ही बोल देता हूँ, 12-3 बजे के बीच का टाइम था। सो वहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे, मैं था, मोहसिन भाई थे, शिवांगी थी,
हम सब लोग थे वहां पे एंड बहुत ही अच्छा सीक्वेंस था। तो क्या होता है ना, फिल्म सिटी में अगर आपको घूमने आना है, जैसे कि लोग बाहर से घूमने आते हैं, तो एक बस होती है जो उनको पूरा फिल्म सिटी का टूर कराती है। छोटी सी फीस होती है, आई थिंक कुछ 300-400 रुपए, जो आपको पूरा फिल्म सिटी का टूर कराया जाता है। तो वो बस हर एक डेढ़ घंटे में, दो घंटे में एक चक्कर लगाती रहती है नए नए लोगों के साथ। तो ऐसा ही सीन चल रहा था एंड नीचे बस आई, हम लोग ऊपर, टेम्पल थोड़ा सा ऊपर है, हम लोग वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो वो गाइड जो था उनका, वो गाइड उतर के सबको बता रहा था कि ये देखो ये उनका शूट चल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हैं, कम से कम 25-30 लोग थे, और उनमें से कुछ 10-15 लोग यूं कर रहे हैं। और मैं खुश में, अरे वाह यार, स्टार बन गया, लोग पहचानने लग गए मुझे, क्योंकि तब मैं बहुत नया था, मतलब काम किया था लेकिन इतना कोई स्पेसिफिक मैं पहचान नहीं बना पाया था। सो वो लोग मुझे हाय कर रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे। तो मैंने भी एकदम स्टाइल में, मैंने चश्मा पहना हुआ था, धूप थी, तो मैं चश्मा उतार के हाय कर दिया। मैंने देखा, मैंने हाय कर दिया, उसके बाद भी वो हाय कर ही जा रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन चेंज हो ही नहीं रहे। तो मैंने चुपके से ऐसे पीछे देखा, तो पीछे मोहसिन भाई खड़े थे। तो मैं समझ गया, मैंने बोला ओ ये तो बेइज्जती हो गई सबके सामने। तो मैंने वापस अपना चश्मा पहना और मैंने अपना फ़ोन निकाला, और फ़ोन पे बात करते हुए ऐसे निकला जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। भाई मैं यहाँ था ही नहीं, मैं फिल्म सिटी आया ही नहीं, मैं एक्टर बना ही नहीं, मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं। तो गाइस ये था मेरा आज का ऑकवर्ड क्वेश्चन चैलेंज, एंड उम्मीद करता हूँ आपको देख के बहुत मजा आया होगा, मुझे और जानने में मिला होगा आपको। और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ ऑकवर्ड, वियर्ड, अजीब से, बेकार से क्वेश्चन हर्षित की तरह, तो आप नीचे लिख सकते हैं एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी वक्त रिप्लाई करूं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को नीचे के नीचे। एंड गाइस भूलेगा मत, अगर आप भी चाहते हैं द डर्मा को के प्रोडक्ट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे सारे लिंक दिए गए हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।